ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शार्प मेमोरी के बारे में, और लोग मुझे पता है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे होंगे जानने के लिए कि मेमोरी शार्प कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें घर में आप कर सकते हैं। बादाम बहुत अच्छा है मेमोरी के लिए, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि बादाम खाने से जो है दिमाग तेज़ होता है। तो बादाम 7-8 रात को भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार के उसको पीस करके 1 कप दूध में डाल करके आप उसको थोड़ा सा पियेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सफ़ेद पेठा एक होता है जिसकी पेठे की मिठाई बनाई जाती है, वो आमतौर पर सब्जी वालों के पास मिल जाता है। सफ़ेद पेठे का रस आप सुबह रोज़ खाली पेट पिएँ, लगभग जो है 100 मिलीलीटर, मतलब 1 कप के करीब आप रोज़ पियेंगे, उससे भी आपकी मेमोरी शार्प होती है। आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शंख पुष्पी ब्राह्मी दोनों ही जो है मेमोरी पर काम करती हैं। इनका चूर्ण बना करके आप सेवन कर सकते हैं, या जीवा में हमने एक टेबलेट और एक सिरप बनाया है इसके लिए, खास तौर पर सिरप बच्चों के लिए बनाया है, बड़े लोग भी ले सकते हैं। और टेबलेट, मेमोरी का टेबलेट और मेमोरी का सिरप के नाम से ही बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ से लोग ये प्रोडक्ट लेते हैं और काफ़ी उनको फ़ायदा भी होता है, खास तौर पर स्टूडेंट्स को, और एग्ज़ाम टाइम में तो वो फेवरेट उनका प्रोडक्ट होता है सबका, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो है आप थोड़ा प्राणायाम करेंगे, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्राणायाम से क्या होता है, डीप ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम करें, इससे आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, आपके ब्रेन के अंदर किसी तरह की वहाँ पर जो विकृति है वो ठीक होती है, और कुछ ब्रेन की जो एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए, उससे भी मेमोरी आपकी बढ़ती है, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ती है। जैसे कि कई बार वो पज़ल्स वगैरह आती हैं, अखबार में भी आती हैं, पज़ल सॉल्विंग आप करें, या मेडिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, उससे मेमोरी पावर भी बढ़ती है। तो जीवा मेडिटेशन हमने एक बनाया हुआ है, जीवानंद प्रोग्राम हमारा एक बना हुआ है, ये हमारी वेबसाइट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसका भी आप प्रयोग करके अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से मेमोरी जो है वो हम शार्प कर सकते हैं। एक दो टर्म्स हमने सुने हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जी जी जी, ये एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब कि पुरानी चीज़ें जो हैं आपको, वो जो अक्सर उनको ध्यान नहीं रख पाते हो आप, या उनको भूल जाते हो। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि जैसे कल ही कोई चीज़ हुई है, अभी 1 घंटे पहले आपको कुछ जो है उसका जो है किसी से मुलाकात की तो वो भूल गए, ऐसा होता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि स्पेसिफिक पैटर्न होता है एक मेमोरी में आपको, कि कभी आप किसी व्यक्ति को भूलते हो, ज़्यादातर आपको नंबर्स याद रहते हैं लेकिन एड्रेस भूल जाते हो आप, ऐसा भी होता है। किसी किसी को एड्रेस भूल जाता है लेकिन आदमी याद रहते हैं, कि आदमी की शक्ल वो कितने दिन में भी देखे। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न्स हैं, और इसका मुख्य कारण जो है हम आयुर्वेद की दृष्टि से यही मानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो केंद्र है मेमोरी से संबंधित, वहाँ पर जो है प्राणवायु जो हमारी होती है, प्राणवायु की जब विकृति वहाँ होती है, या वात, आम भाषा में कहें वात की विकृति होती है, रुक्षता वहाँ पैदा होती है, या जो हम कहें कि तर्पक कफ जो हमारे मस्तिष्क में है, जो हमारे मस्तिष्क को हमेशा तरोताज़ा रखता है, हमेशा उसको लुब्रिकेटेड रखता है, तर्पक कफ जब सूख जाता है तो फिर इस प्रकार के लक्षण हमें होने लगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में खास तौर पर एक अल्जाइमर्स करके बीमारी भी होती है, जिसको कि बिल्कुल याद आदमी को नहीं रहता है, मेमोरी लॉस उसको काफ़ी हो जाता है, और जनरली भी ओल्ड एज में मेमोरी लॉस होता है। उसका कारण यही है कि वात जो है, वात की वृद्धि जो है ओल्ड एज में होती है। हमने पहले भी आपको समझाया कि बचपन के अंदर कफ की अधिकता होती है, जवानी के अंदर पित्त की अधिकता होती है, ओल्ड एज के अंदर वात की अधिकता होती है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए ओल्ड एज में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि मेमोरी लॉस के केसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई मेमोरी से रिलेटेड, लेकिन प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए कि हमारी मेमोरी जो है वो कमज़ोर? देखिए, बहुत लोगों से मैं कई बार मिलता हूँ, और काफ़ी ओल्ड एज में भी मैंने, खास तौर पर मेरे गुरुजन रहे हैं जो मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे जो आयुर्वेद के गुरु, और ऐसे में कई और ऐसे लोगों से मिलता हूँ कि उनकी उम्र जो है 80, 85, 90, 95 तक भी जो है उनकी मेमोरी बड़ी शार्प रहती है। उसमें मूल कारण उनका ये होता है कि जो हमारा आहार जो है, भोजन जो है, आहार या हमारी जीवन शैली जो है, जिसको हम आयुर्वेद में विहार बोलते हैं, वो सात्विक होनी चाहिए। सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक विचार, ऐसा अगर आप रखेंगे तो आपकी सारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं। इवन ओल्ड एज में भी आप जो है अपनी मेमोरी को शार्प रख सकते हैं। भोजन पर बहुत नियंत्रण करता है, गाय का घी अगर अच्छा मिल जाए उसके सेवन से मेमोरी बढ़ती है, गाय का दूध उससे भी अच्छी मेमोरी बढ़ती है, या फिर जो है आप नियमित रूप से प्राणायाम करें, योगासन करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं
जो आपको हमेशा जो है आपकी मेमोरी को शार्प रखे। जी, तो मेमोरी को कैसे शार्प रखना है ये डॉक्टर साहब ने बता दिया। हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आरोग्य मंत्र में। जी मैम। जी बताइए, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नीलांबर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी, कानपुर से। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मेरा पेट साफ नहीं होता है। जब भी मैं मुझे मोशन करना होता है तो मेरा पेट में जो चिकनी चिकनी वो होती है। अच्छा, तो कितनी बार मोशन जाना पड़ता है आपको दिन में? मोशन जाता हूँ मैं, बट मेरा पेट में जो है हमेशा मतलब जो है दर्द हल्का हल्का रहता है। अच्छा। और जो है जब मैं सुबह शाम जाता हूँ तो पेट ढंग से साफ नहीं होता है और चिकनी 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 होती है। हाँ, तो इसमें देखिए, ये जो लक्षण है बड़ा सिंपल है और बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसको आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि जब आपको भोजन ठीक से नहीं पचता है, पूरा अजीर्ण होता है, इंडाइजेशन होता है, मंदाग्नि होती है, तो उसके लिए आपको जो है भोजन नहीं पचता तो आम बन जाता है, चिकना पदार्थ बन जाता है, उसके कारण से पेट साफ नहीं होता आपका। एक बार में वो हमेशा जो है आपको अंदर कुछ ना कुछ मल रह जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा और बहुत पॉपुलर फार्मूला है हमारा आम पाचक चूर्ण। अब तो बहुत पूरे विश्व में पॉपुलर है, बहुत लोग उसको सेवन करते हैं और उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। 5 चीज़ें आपको लेनी है। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए, पुदीना 20 ग्राम ले लीजिए और सौंफ 20 ग्राम ले लीजिए। ये सबको मिला करके आप एक मिक्सचर बनाएं और इस मिक्सचर में से जो है एक एक चम्मच 1 टीस्पून भोजन के पश्चात दिन में 2 बार या 3 बार आप ले सकते हैं, ताज़े पानी के साथ या हल्के गुनगुने पानी के साथ। उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर रोग आपका बहुत पुराना हो चुका है तो आपसे ये भी हम निवेदन करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधि भी उसमें आप जरूर लीजिए। बहुत अच्छे उपचार आयुर्वेद में पेट के लिए होते हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। बिल्कुल, तो ये फॉर्मूला तो पूरे विश्व में फेमस है, तो इसे जरूर आजमाइए, अपनाइए और अपनी इस प्रॉब्लम से जल्द निजात पाइए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने जाना मेमोरी के बारे में कि आप अपनी मेमोरी को शार्प कैसे रख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज जो बातें आपको डॉक्टर साहब ने बताई हैं आज के इस एपिसोड में, उनका आपने जरूर नोट बना लिया होगा। साथ ही साथ नोट बना लीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर का, जो है 01294040404। इसके अलावा आप जीवा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए, जो है www.jeeva.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@jeeva.com। जीवा को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।